श्री हरिमंदर साहब से हुए हमले के रोस में भाई बेअंत सिंह ते भाई सतवंत सिंह ने उस समय की प्रधान बीबी मंत्री इंदिरा गांधी ने गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता सी। इस मौके भाई बेअंत सिंह सुरक्षा कर्मियों की गोलियों का शिकार हो गए और मौके पर ही शहादत प्राप्त कर गए। भाई केयर सिंह अते भाई सतवंत सिंह 6 जनवरी 1999 नूं समय दीआं सरकारां वल्लों फांसी दे के शहीद कर दिता गया। जिस दे चलदिआं बीते दिनी श्री हरिमंदर साहिब विखे स्थित गुरद्वारा चंडा बुंगा विखे भाई सतवंत सिंह की शहादत मौके अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए और उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके भाई सतवंत सिंह दे परिवारक मैंबर पंथक जथेबंदियां अते श्रोमणी कमेटी वल्लों इह शहीदी दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके भाई सतवंत सिंह दे परिवारक मैंबरां नूं सिरों पाऊ भेंट करके सन्मानित किया गया अते कौम दे लई शहादत प्राप्त करन वाले इस योधे की शहादत नूं याद किया गया। आवाज़ कम टीवी दी अमृतसर तों ललित शर्मा की रिपोर्ट। अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह सिख जथेबंदियां सिख संगतां ने मिल के अमर शहीद भाई केयर सिंह जी की अमर शहीद भाई सतवंत सिंह की सालाना बरसी मनाई है, जिन्हां ने धर्म की खातर कौम की खातर गुरधामां की खातर अणख ते गैरत नूं कायम रखदे होया उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोधिया सी, जिन्हें दरबार साहब ते हरिमंदर साहब ते तोपां ते टैंकां नाल हमला करके श्री अकाल तख्त साहिब ढाया सी। सो उस दे करमां दी बनदी सज़ा दे के सिख कौम का नाम दुनिया च उच्चा किया ते आप गुरु चरणां विच जाप राजे अज बहुत धूमधाम ते श्रद्धा दे नाल उन्हां शहीदां दी असीं बरसी मनाई है। सारी कौम ने उन्हां ते बहुत माण ते फकर है, साडी सारी समुची कौम का ऐसे महान शहीदां दे चरणां ते शीश झुकदा है। वाहिगुरू जी का खालसा। सतवंत सिंह जी भाई केयर सिंह जी दे जिस दिन उन्होंने शहीद किया गया फांसी ला के भारती औरंगजेबी हकूमत ने वो दिन अज सिख संगत ने अपने सब तो वड्डे धार्मिक स्थान दरबार साहब अकाल तख्त साहब के सामने गुरद्वारा झंडा बंगा साहब से मनाया। ये दिन जिहड़े ने सानू सिख कौम नू प्रेरित भी करते हैं तो एकत्र भी करते हैं। मैनू बैठे बैठे ये गल याद आ रही सी कि गुरु तो जो सिक्ख्या सानू मिली है किसे वक्त अबदालिया ने गुड़ लफ्ज़ के उत्ते भी पाबंदी लगाती सी, अज भी बड़े लफ्ज़ों पर पाबंदी लगती है। गुड़ कहिंदे जे गुड़ कहिंदे ने इन्हां नू गुरु याद आ जांदा है। ये दरबार साहब कल्ला इंदिरा गांधी ने नहीं ढाया, जिन्हां नू साडी सोच दे नाल दुश्मनी है उन्होंने बार बार यह दरबार साहब अज भी संगत दे सुशोभित है इनू पूरिया इनू ढाया इनू मिट्टी नाल पूर दिता है। इंदिरा गांधी अखीरली हाकम सी जिन्हें दरबार साहब अकाल तख्त साहब ते अटैक किया, सो उहदा जो खमियाजा उन्हूं भुगतना पिया ये साडी रवायत है, क्योंकि इसे दरबार साहब दे विच मस्से रंगड़ दा सिर भी लाया गया। जे असी उन्हां नूं महान सूरबीर मनदे हाँ तां सानूं सतवंत सिंह जी केयर सिंह जी बेअंत सिंह जी नूं भी मनण तों कोई इनकारी नहीं। हाँ, ये असी मैसेज देना चाहुंदे हाँ कि आही साडे प्रेरणा स्रोत ने आ दिन शहीदां दे दिन। तो मैं ये भी कहांगा कि अज जिहड़ा अंदोलन दिल्ली दे विच चल रहा है उहदे पिछे भी इन्हां शहीदां दी सोच जिहड़ी है दृढ़ता जिहड़ा इन्हां दा इनकलाबी पहर है सिख कौम दे उत्ते ओ ही काम कर रहा है। तो मैनू आस है कि वो जिहड़े अंदोलन कर रहे ने भाई सतवंत सिंह जी वांग भाई केयर सिंह जी वांग वो भी जीवित हो के अपनी सोच नू उजागर करके ते इस हिंदुस्तान दी हकूमत दे गोडे लवा के आउणगे, क्योंकि जेकर अकाल तख्त साहब तो अरदास करके आपां चलीए ये सारी ही अरदास जिहड़ी है ये बाबर नू जाबर कहण वाली अरदास है। तो साडा इतिहास 239 साल का गुरु साहब ने जो सिखाया है ये सतवंत सिंह जी केयर सिंह जी बेअंत सिंह की शहीदी जिहड़ी है उहदे विचों उठी है। सो मैं अज दे दिन श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सरदार सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी सारी साढ़े पार्टी के उच्च अहुदेदार इत्थे सुशोभित ने सारे की हाजरी च आप जी राही यही मैसेज देवांगा कि जदों जदों भी कोई हुकूमत साढ़े ते जबर करूगी जो खमियाजा इंदिरा गांधी नूं भुगतना पिया वो सब नूं भुगतना पेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। दास भाई अजैब सिंह अभ्यासी मैंबर धर्म प्रचार कमेटी अज समुची कौम तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे गुरद्वारा झंडे बुंगे विखे हर साल की तरह गुरु पंथ खालसा पंथ के महान शहीद भाई सतवंत सिंह भाई बेअंत सिंह भाई केयर सिंह जी की हर तरह की नाल आप अज उन्हां दी बरसी मनाई गई है।
सो खालसा पंथ नूं इह बहुत वड्डा माण है इन्हां महान योधिआं ने जो खालसा पंथ दे उत्ते मैं समझदा एक बहुत वड्डा करजा सीगा जो उन्होंने अपना सीस भेट करके ये खालसा पंथ नूं उन्होंने अर्पण किया। ते खालसा पंथ इन्हां महान योधिआं दी हमेशा हमेशा वास्ते इन्हां नूं याद मनाया करेगी अते इन्हां हमेशा ही शहीदां नूं प्रणाम नतमस्तक होया करेगी। खालसा पंथ ने जदों 1985 तो बाद 1986 का जदों समा आया सीगा उस वेले इन्हां महान योधिआं दीआं 1986 1987-88 तक इन्हां दीआं जिहड़ियां बरसियां गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे बहुत वड्डे इकट्ठ दे विच मनाया मनाउण वास्ते आरंभ कीतियां सन। सो उस वेले तो लै करके सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे हर साल ही इन्हां दीआं बरसियां सारा खालसा पंथ इकट्ठा हो करके मनाउंदा। सो असी इन्हां महान योधिआं नूं असी प्रणाम करते हाँ नतमस्तक करते हाँ अते इन्हां नूं श्रद्धा दे फुल अर्पण करते हाँ। इस तरह ही खालसा पंथ की इन्हां महान योधिआं करके ही सदा ही चढ़दी कला रहनी आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की मनाई गई है। देखो जिन्हें भी अकाल तख्त साहब ते हमला किया ना और उन्होंने ही खालसा पंथ ने उसकी सज़ा दी है। भाई सतवंत सिंह भाई केहर सिंह भाई बेअंत सिंह वो कौम के महान शहीद ने और उन्होंने सिख कौम की आन ते शान वास्ते इंदिरा गांधी नूं जिहड़ा सी उहदे कीते हुए कर्मां दी सज़ा जिहड़ी सी उह दित्ती है। और खालसा पंथ हमेशा ही अजिहे सूरबीर बहादुरां दा शहीदी दिन जिहड़ा वह मनाउंदा रहा और अज भी उहनां दा शहीदी दिन जिहड़ा इत्थे भी मना रहे हां अगवान पिंड भी मना रहे हां और सारी कौम जिहड़ी है अज उहनां शहीदां दी जिहड़ी उह ऋणी है। मैं उहनां शहीदां नूं सलूट करदा सलाम करदा उन्होंने साडे कौम की आन ते शान जिहड़ा है वो कायम रख्या बरकरार रख्या है और उन्हों का दिन जिहड़ा वो अहीं इत्थे बड़ी धूमधाम ते श्रद्धा दे नाल मना रहे हैं।